मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और मिठाई बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, क्योंकि जब दूध में फैट कंटेंट अच्छा होता है तभी ये मिठाई टेस्टी बनती है। तो अब इस दूध को हमें उबालना है। इसके लिए अभी हीट को हमने हाई कर दिया है। इस मिठाई को बनाने के लिए दूध को हमें काफ़ी देर तक पकाना होता है, इसीलिए इसे बनाने के लिए आप हैवी बॉटम कढ़ाई का ही यूज़ करें। दूध में उबाल आने के बाद हीट को मीडियम रखना है और दूध को थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से स्टिर करते रहना है। यदि दूध को स्टिर नहीं किया जाएगा तो इसका जो फैट है मलाई के रूप में ऊपर जमा हो जाएगा, जो कि बाद में दूध के साथ मिक्स नहीं होगा और मिठाई टेस्टी नहीं बनेगी। दूध पकते हुए अब थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब दूध में थोड़ा सा दाना बन चुका है। जब दूध की ये कंसिस्टेंसी हो जाए तब दूध को हमें फाड़ना है। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर ले रही हूँ और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ही पानी ऐड करूँगी। अब इस विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध में ऐड करना है, इसे हमें एक साथ ऐड नहीं करना है। अब जो विनेगर हमने ऐड किया है इसे हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के बाद हम बचा हुआ विनेगर भी ऐड करेंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप 1 पिंच फेट करी या फिर 1 पिंच साइट्रिक एसिड या एक छोटे साइज़ के नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने विनेगर और पानी का पूरा सॉल्यूशन दूध में ऐड कर दिया है और ये दूध अब फट चुका है और आप देख सकते हैं इसका दाना अब बड़ा हो चुका है। मिठाई बनाने के लिए दूध को हमें इससे ज़्यादा नहीं फाड़ना होता है। इसी स्टेज पर 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब शुगर को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इस दूध को हमें थोड़ी देर तक और पकाना है। दूध पकते हुए जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, जब ये कढ़ाई की साइडों से सेपरेट होने लगे, तब आप समझ लें कि अब ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मिल्क केक बनाने के लिए दूध की ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हीट को हमें ऑफ कर देना है। मिल्क केक को जमाने के लिए मैंने एक बॉल को घी से ग्रीस कर लिया है। अब तैयार मिक्सर को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। मिल्क केक बनाने के लिए आप घर पर अवेलेबल कोई भी थाली, ट्रे या फिर इस तरह के बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सर को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब 1 स्पून की बैक साइड को घी से ग्रीस करके हम इसे थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। अब इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। मिल्क केक को यदि आप जल्दी सर्व करना चाहते हैं तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख सकते हैं और इसके बाद इसे आप मनपसंद पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। मिल्क केक का पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब एक नाइफ की हेल्प से पहले हम इसे बॉल की साइडों से सेपरेट करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बॉल को थोड़ा सा टैप कर देना है जिससे कि ये बहुत ही इजीली बॉल से सेपरेट हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया मिल्क केक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे स्लाइसेस में कट करने के बाद इसे हम छोटे पीसेस में कट करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से बना हुआ मिल्क केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मिल्क केक की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए